नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अब से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। साल 1975 में 25 जून को ही उस समय की इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार ने देश में आपातकाल को लगाकर लोकतंत्र को खत्म कर दिया था। तो इमरजेंसी में क्या कुछ हुआ था वो तो बहुत लोग जानते हैं। देश के लाखों लोगों ने इमरजेंसी का दर्द और दंश झेला था। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हीं लोगों को याद करने के लिए हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। 1975 का 25 जून भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश के लोकतंत्र के सीने पर वार करते हुए आपातकाल लगा दिया था। लोकतांत्रिक इतिहास के उस काले अध्याय ने नागरिक अधिकारों के दमन और अत्याचारों का लंबा सिलसिला देखा। उस दौर में उत्पीड़न का शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अब हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक्स पर लिखा कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना इसकी याद दिलाएगा कि क्या हुआ था जब भारत का संविधान कुचल दिया गया था। यह उन सभी को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है जो आपातकाल के अत्याचारों के कारण पीड़ित हुए थे। यह भारतीय इतिहास का ऐसा काला दौर था जो कांग्रेस की देन था। तो वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने ताराशाही सरकार की असंख्य यातनाओं व उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी ताराशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना कर पाए। तो अमित शाह ने आपातकाल के उस काले दौर को याद करते हुए लिखा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 25 जून 1975 वो काला दिवस था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ताराशाही मानसिकता ने हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिवस हमारे सभी महापुरुषों के त्याग व बलिदान का स्मरण कराएगा जो कांग्रेस के इस ताराशाही मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष करते हुए संविधान की रक्षा व लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए यातनाएं सही और दिवंगत हो गए। प्रत्येक वर्ष लोकतंत्र की महत्ता का स्मरण कराने वाले इस निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। तो 1975 का 25 जून भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे बुरा दौर था और आपातकाल के दौरान जनता ने अपनी आजादी का सबसे बुरा दौर देखा था। देश में इस दौरान न केवल चुनावों पर रोक लगा दिया गया था बल्कि नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को भी खत्म कर दिया गया था। जनता के सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया था। सरकार विरोधी भाषणों और किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। आइए देखते हैं कि आपातकाल के दौरान देश और समाज पर उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ा था। इमरजेंसी की घोषणा के बाद इसका नकारात्मक असर समाज के हर क्षेत्र में देखने को मिला। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी विरोधी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया। सरकार ने मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत नेताओं को बंदी बनाया। विपक्षी दलों के सभी बड़े नेताओं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी,
लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, जयप्रकाश नारायण को जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर, जो कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्वाचित सदस्य थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इस दौरान ऐसा कानून बनाया गया जिसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने और जमानत मांगने का भी अधिकार नहीं था। नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके रिश्तेदारों, मित्रों और सहयोगियों तक को नहीं दी गई। जेल में बंद नेताओं को किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं थी। उनकी डाक तक सेंसर होती थी और मुलाकात के दौरान खुफिया अधिकारी मौजूद रहते थे। आज के युवाओं को, आज के लोगों को पता ही नहीं है क्या क्या गुजरा है, क्या हुआ इस देश में। डॉक्टर हरिवंश करके थे, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, उनको पकड़ा गया इमरजेंसी में ये कह के कि ये तार काट रहे पे चढ़ चढ़ के, और वो बचपन से लुंज थे, हाथ से नहीं पैर से लिखते थे। ये जुल्म हुआ इस देश में। आपातकाल के दौरान पुलिस अत्याचार और दमन आम बात थी। इस दौरान पुरुष और महिला बंदियों के साथ अमानवीय अत्याचार किया गया। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी को सबसे पहले राज नारायण के मुकदमे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का निपटारा करना था, इसलिए इन फैसलों को पलटने वाला कानून लाया गया। इसके लिए संविधान को संशोधित करने की कोशिश भी की गई। आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संशोधन किया गया, जिसके जरिए संविधान के मूल ढांचे को कमजोर करने, उसकी संघीय विशेषताओं को नुकसान पहुंचाने और सरकार के तीन अंगों के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की गई। आपातकाल की शुरुआत में ही संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 22 को निलंबित कर दिया गया। ऐसा करके सरकार ने कानून की नजर में सबकी बराबरी, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी और गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर अदालत के सामने पेश करने के अधिकारों को रोक दिया। जनवरी 1976 में अनुच्छेद 19 को भी निलंबित कर दिया गया। इसके जरिए अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रकाशन करने, संघ बनाने और सभा करने की आज़ादी को भी छीन लिया गया। आपातकाल लगते ही अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। अखबारों और समाचार एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने नया कानून बनाया। सरकार ने चारों समाचार एजेंसियों पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती को खत्म करके एक नई समाचार एजेंसी बना दी। इसके साथ ही प्रेस के लिए आचार संहिता की घोषणा कर दी गई। कई संपादकों को सरकार विरोधी लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। आपातकाल के दौरान अमृत नाहटा की फिल्म किस्सा कुर्सी का को जब्त कर लिया गया। किशोर कुमार जैसे गायकों को काली सूची में डाल दिया गया और आंधी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई। मैं जर्नलिस्ट था बड़ौदा में, मुझे भारत के 13 महीने 6 जेलों में रखा गया, सिर्फ इसलिए कि मैंने विरोध किया था इमरजेंसी का। बार बार छापे पड़ते थे, बार बार जो है उस छापे के कारण प्रेस बंद हो जाता था, फिर भी आंदोलन पूरा इमरजेंसी का हम लोगों ने अलग अलग ढंग से चलाया है। सारी जो फंडामेंटल राइट है उसको सीज कर लिया गया। आप बोल नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं, भाषण करना नहीं, कोई बैठक लेना नहीं। श्रीमती गांधी ने पूरे एक तरह से कहा जाए कि जो भी जनसंचार माध्यम है, अखबार है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक मोर्चे पर भी आपातकाल का काफी नकारात्मक असर पड़ा। इस दौरान आर्थिक नीति में मनचाहा परिवर्तन और श्रमिकों के बुनियादी अधिकारों को कम करने की कोशिश की गई। इस दौरान जहां कहीं भी मजदूर हड़तालें हुई, वहां उन्हें कुचलने की कोशिश की गई। आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों की रक्षा करने वाले वकीलों और जजों को भी नहीं बख्शा गया। आपातकाल के सबसे बुरे प्रभावों में से एक था परिवार नियोजन के लिए अध्यापकों और छोटे कर्मचारियों पर की गई सख्ती। लोगों का जबरदस्ती परिवार नियोजन किया गया। परिवार नियोजन और सुंदरीकरण के नाम पर आम लोगों का काफी उत्पीड़न हुआ। आपातकाल में अफसरशाही और पुलिस को जो अनियंत्रित अधिकार मिले थे, उनका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया। इमरजेंसी ने लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। आपातकाल के विरोध में लोगों का गुस्सा उस वक्त फूटा जब 1977 के आम चुनाव में जनता ने एकजुट होकर इंदिरा गांधी सरकार को हरा दिया और लोकतंत्र में अपनी आस्था का सबूत दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि कैसा था वो आपातकाल का दौर। आज बात होती है कि संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, लेकिन उस समय संविधान खत्म हुआ था
लोकतंत्र खत्म हुआ था आपातकाल के उस दौर में, और उसी को याद करने के लिए, उसके दंश को, उसके दर्द को याद करने के लिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया। लेकिन जरा आप देखिए कि क्यों लगा था आपातकाल। 1971 में इंदिरा गांधी रायबरेली सीट से निर्वाचित हुई थी, उसके बाद अदालती कार्रवाई हुई, इंदिरा गांधी ने राज नारायण को पराजित किया था। तो ये आपातकाल लगने के कारण हम बता रहे हैं कि इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा, उनके ऊपर केस चला। राजनारायण ने अदालत में अपील की, अदालत में कानूनी तौर पर चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया। उस कानूनी लड़ाई में इंदिरा गांधी पर 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने की रोक भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगा दी थी। उस समय की स्थिति यह थी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन रद्द करने के फैसले को सही ठहराया, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया उस फैसले को। तो आधी रात को लागू हुआ था आपातकाल, सारे नियम कानून को ध्वस्त करके इंदिरा गांधी ने आंतरिक उपद्रव की बात कहकर आपातकाल लगाया। संविधान का सीधा सीधा संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग था यह आंतरिक उपद्रव जो आप देख रहे हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक आपातकाल लागू करने का फरमान जारी कर दिया, और वो सब इंदिरा गांधी के दबाव में हुआ, इंदिरा गांधी के प्रेशर में ऐसा किया गया। 25 जून की शाम को तमाम अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। आज मीडिया स्वतंत्रता की बात होती है, आजादी की अभिव्यक्ति की बात होती है, उस समय क्या हुआ था यह आप देखिए किस तरह से आधी रात को आपातकाल लागू किया गया था। 21 महीने के बाद यानी 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया, क्योंकि जनता का भारी दबाव था, देश के अंदर से भी और बाहर से भी जनता का काफी दबाव था। तो यह 21 मार्च 1977 को आपातकाल हटाया गया था 21 महीने के बाद। तो यह आपातकाल का वो दौर जो है कैसा दौर था, किन परिस्थितियों में लगाया गया था, उन सारी चीजों को आपने देखा। आपातकाल के उस दौर में क्या कुछ हुआ था, बहुत सारे लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं, जो अनुभव हैं, वो हमने आपको सुनवाया, जिन्होंने उस दंश को झेला है। तो ये आपातकाल का वो कैसा दौर था, किस तरह से, आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जिसमें नेता जो है वो बेड़ी से जकड़े गए थे, उनको जंजीरों में जकड़ दिया गया था। तो इस तरह से वो आपातकाल का दौर था जो कि आपने जो उस समय की पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने उसको बिल्कुल अनुभव किया है, और आज की पीढ़ी को उसको जानने की जरूरत है। इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि ये जो संविधान हत्या दिवस मनाने का सरकार ने फैसला किया है, इस फैसले के बारे में क्या राय है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, राधिका खेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ में हमारे साथ हीरामन तिवारी जी प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। ऋषि शंकर मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक भी, कांग्रेस के समर्थन में बातें रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत ऋषि शंकर मिश्रा जी, राधिका खेड़ा जी बहुत बहुत स्वागत, और प्रोफेसर हीरामन तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास JNU से प्रोफेसर हीरामन तिवारी। मैं पहले आप दोनों के पास आऊं, राधिका जी और ऋषि शंकर जी, पहले प्रोफेसर हीरामन तिवारी। प्रोफेसर हीरामन तिवारी, ये जो सरकार ने अभी जो केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इस फैसले की सबसे पहले बात तो ये कि बहुत सारे लोग जो उस दौर को जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है, जिसे कहते हैं प्रथम दृष्टया अनुभव किया है, लेकिन नई पीढ़ी बहुत कुछ नहीं जानती है, उनकी जागरूकता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए, और ये कि भविष्य में उस तरह का कोई भी कदम ना उठा पाए, उसके लिए इस तरह की जागरूकता की जरूरत तो थी। जी लाल सिंह जी, आपने बहुत विस्तार से, बहुत सुंदर ढंग से बताया कि ऐसी स्थिति क्यों आई, और मुझे लगता है ये चिर प्रतीक्षित और बहुत ही एक प्रकार से उल्लास तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक सांत्वना देने वाला ये निर्णय है कि आज के दिन को संविधान हत्या का दिवस जो घोषित किया गया है और गैजेट नोटिफिकेशन भी आ गया है, ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को छोड़कर के अधिकांश जो दल हैं आजकल, कांग्रेस को छोड़ करके उन सभी दलों के नेताओं ने ये भुगता था। मुझे तो याद है, मैं एक छोटा बच्चा था स्कूल में, लेकिन कुछ सहमा सा लग रहा था चारों ओर, एक सुदूर गांव में रहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आपने बताई कि
किस प्रकार से संविधान की हत्या के जो प्रतीक क्या थे, बड़े बड़े नेताओं को, जजों को, वकीलों को, विद्वानों को, अध्यापकों को, जिसको भी लगता था कि इनसे किसी प्रकार से वक्तव्य का भय हो सकता है, उसको जेलों में ठूस उनको दिया गया था। और जिस आपने बोला जो श्रृंखला, जो जंजीर थी, वो संविधान के गले के चारों तरफ लगा करके उसको घोट करके उसकी हत्या की गई थी। उनका जो प्रतिरूप है आप पूरे देश में दिखाई पड़ रहा था। और 25 जून की वो जो रात है, जो 10 बजे रात को इंदिरा गांधी ने अपने प्रेस सचिव को बुलाकर के कहा कि वो ऐसा करने जा रही हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही आवश्यक था कि ऐसा किया जाता, और इससे बहुत से लोगों को शांति मिलेगी। मेरे पिताजी स्वयं उनकी नसबंदी जबरदस्ती कराई गई थी, मैं तो भूल ही नहीं सकता। जी बिल्कुल, मैं लौटता हूँ आपके पास और बाकी पहलुओं पर भी जरूर बात करूंगा, ऋषि शंकर जी के पास भी आऊंगा, लेकिन पहले राधिका खेड़ा जी। राधिका खेड़ा जी, मुझे लगता है कि जो प्रोफेसर हीरामन तिवारी ने कही कि देखिए कुछ लोग तो इसका जरूर विरोध करेंगे और विरोध होगा, मुझे लगता है जब अब ऋषि शंकर मिश्रा से हम बात करेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि भाई इसकी क्या जरूरत थी, तो मैं वो सवाल पहले ही आपसे पूछ लेता हूं कि बताइए सरकार को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, कोई भी देश का जब भविष्य की नींव रखी जाती है तो उसका इतिहास बहुत जरूरी होता है, और आने वाली पीढ़ियों को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से जो लोग आज संविधान को लहराते फिरते हैं और अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, उन लोगों ने किस तरीके से इस देश को बंदी बनाया था, लोगों को जेल भेजा था, किस तरीके से काला धब्बा था हमारे इंडिपेंडेंट इतिहास में, हमारे स्वतंत्र इतिहास में। जब से भारत स्वतंत्र हुआ, हम कभी भी ऐसा हमने मंजर नहीं देखा था जो इंदिरा गांधी जी ने देखा था। और ये वो कांग्रेस नहीं थी जो महात्मा गांधी जी की कांग्रेस थी, क्योंकि ये कांग्रेस आई थी जो इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस। अब यही बात की तकलीफ को देखो होना लाजमी है, क्योंकि उनके पाप सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हमेशा हिस्ट्री बुक्स में, स्कूल के सिलेबस में जो उन्होंने चाहा वो देश की जनता को और बच्चों को परोसने का काम किया, उन्होंने हमेशा असलियत से दूर रखा। आप क्यों नहीं असलियत इमरजेंसी के बारे में बात करते? हमने ये भी देखा है कि राजीव गांधी जी ने इमरजेंसी का कैसे उसके बारे में बोला था, अरे ये तो हमारे संविधान में प्रावधान है, कुछ इसमें नैतिक नहीं था। लगातार कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी जी हो या आज उनके प्रवक्ता नेता हो, उसको जस्टिफाई करते आते हैं। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है, बहुत जरूरी। और हमने ये भी देखा कि संविधान की धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही थी, क्योंकि आज तक कभी भी पूरे देश में संविधान लागू पूरी तरह से नहीं हुआ था, क्योंकि धारा 370 ठीक है, मैं लौटता हूं। धारा 370 हटाई गई, जम्मू कश्मीर में हमारा संविधान लागू हुआ, तभी हम संविधान दिवस ठीक उस पहलू पर लौटते हैं, उस पहलू पर मैं लौटता हूं राधिका जी। ऋषि शंकर जी, राधिका जी कह रही हैं कि भाई देखिए बड़ा इन दिनों संविधान को लेकर चलने का ये रिवाज हो गया है, लोग संविधान लेकर के जा रहे हैं, सदन के अंदर जा रहे हैं, संविधान लेकर शपथ कर रहे हैं, लेकिन जिस समय संविधान को याद करना चाहिए उसे समय याद नहीं किया जाता, और अब केंद्र सरकार ने संविधान को याद करने के लिए कि संविधान का क्या महत्व है, कब इसको संविधान सिर्फ खतरे में नहीं था बल्कि खत्म कर दिया गया था, अब केंद्र सरकार ने इसको मनाने का फैसला किया है। जरूर मुझे लगता है कि लोग ये कहेंगे, कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई जिस तरह से इस बार नैरेटिव खड़ा हुआ, उस नैरेटिव का एक तरह से काउंटर नैरेटिव केंद्र सरकार लेकर आ गई। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं, एक हद तक मैं आपके बात से सहमत हूं, और सरकार के डिसीजन को अपने अपने ढंग से एनालिसिस करने का सबका अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ये मेरा मानना है कि इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी देश पे लागू किया था उसका शायद ही कोई व्यक्ति समर्थन कर सकता है, और मैं भी इस चीज का निंदा करता हूँ, ऐसी चीज फिर से देश में नहीं दोहराना चाहिए। ठीक है, खुद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद देश पर इमरजेंसी थोपने के लिए देश से माफी कई बार खुद इंदिरा गांधी मांग चुकी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इमरजेंसी को लेकर देश से माफी मांगा था। तो सवाल ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने या जिस प्रधानमंत्री ने उस समय देश पर इमरजेंसी थोपा था, ठीक है, उस व्यक्ति या प्रधानमंत्री ने जब देश से माफी मांग लिया तो उस विषय को इतना वो विषय इसलिए आता है क्योंकि आप दूसरे पर उस चीज को लेकर के। हाँ, मैं आ रहा हूँ प्रोफेसर तिवारी आपके पास भी आऊंगा, राधिका जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन ऋषि शंकर मिश्रा पहले पूजा पूरी कर ले। हाँ देखिए, और राधिका खेड़ा जी के बयान को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ, यदि इमरजेंसी इनके मन में, इनके
इनके मन में इनके दिल में कहीं कहीं इमरजेंसी के लिए निगेटिव एस्पेक्ट होता तो ये कांग्रेस में होती नहीं। कांग्रेस के सिंबल पे ये व्यक्ति चुनाव लड़ती नहीं है। अभी अभी तो वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, उस चीज को छोड़ दीजिए, उस चीज को अभी छोड़ दीजिए। हम चर्चा को डेविएट नहीं करेंगे, चर्चा को हम डेविएट नहीं करेंगे। मैं लौटता हूँ आप सभी के पास लौटूंगा। राधिका जी आपके पास आऊंगा, दो सेकंड में पूरी कीजिए। किसी विषय को लेकर यदि मेरा मतांतर है और किसी विषय को मैं सपोर्ट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप मतांतर रखिए, धारा वाले पार्टी में कोई व्यक्ति जुड़ा नहीं कर सकता। ठीक है मैं लौटता हूँ आप सभी के पास लौटता हूँ, एक ब्रेक लेकर आप सभी के पास लौटता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आपके पास लौटता हूँ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। जैसा कि हमने बताया, केंद्र सरकार ने संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाने का फैसला किया है, तो केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा पर दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत की और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। आज गृह मंत्रालय द्वारा देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा जो आज एक गजट नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें यह तय किया गया है कि सरकार हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएगी, और ऐसा इसलिए कर रही है कि 25 जून 1975 को उस समय की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय, जिसमें उनकी मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया गया था, उनके खिलाफ गया था, तो उनकी मेंबरशिप चली गई थी और उस में रिजाइन करने की जगह उन्होंने इस देश में आपातकाल लगाया, इमरजेंसी लगाई और देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया और तमाम क्रूरता की गई, शोषण किया गया, अनावश्यक रूप से जेल भेजा गया, लोकतंत्र की हत्या की गई, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और प्रेस की आज़ादी को कुचला। तो ऐसे वो लोग जो इमरजेंसी में जेल गए, यातनाएं से ही उसका सामना किया, ऐसे सब लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का तय किया है। तो सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं सीधे रुख करता हूं इस समय डॉक्टर हीरामन तिवारी जी के पास चलते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले? मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए लाल सिंह जी इतने अच्छे ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे एक साथी थे, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस का समर्थन करने के बावजूद वो ये कह रहे हैं कि एक ये काला दिवस था, ये कोई उत्सव का दिवस नहीं है आज जो कहा गया है। और जब इन्होंने कहा और इतिहास की बात छिड़ी तो व्यक्तिगत रूप से किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता राजनेता के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में रह करके भी आप इसका विरोध कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता था, ऋषि जी आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस में डॉक्टर तिवारी की बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। मैं कुछ डॉक्टर हीरामन तिवारी की बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही, मैं कहना चाहता था कि यदि हमें लगता है कि ये बहुत ही कष्टकारी और एक काला दिवस था, तो उसको एक प्रकार से रेखांकित करने के लिए जी आज के दिन को 25 जून को ऐसा मनाया तो जाएगा होना चाहिए। ठीक है, ये कहा गया, इसके पीछे स्मृति एक कारण है, क्योंकि गीता में कहा गया है कि स्मृति नाशात बिल्कुल। ऋषि जी का एक काउंटर लेके आप ही के पास में आ रहा हूँ, ऋषि जी कीजिए काउंटर। देखिए मेरा ये कहना है कि इतिहास के बुनियाद पे भविष्य को कब तक आप अंधकार में रखिएगा, अभी नीट जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कशन होना चाहिए। नीट पर भी हमने किया है, नीट पर बहुत डिस्कशन किया है, बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं नीट पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सरकार की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, देश में पुल पुलिया ऐसे की सरकार कार्रवाई भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। आप ठीक है, राधिका जी कुछ काउंटर कर रही थी, बोलिए। मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलता हूँ। आप नीट पर बोलने लगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ 25 जून पर, आप नीट पर बोलने लगे तो बताइए।
हमने तो पूरा मौका आपको दिया बोलने के लिए। इतिहास के बुनियाद पे देश के भविष्य क्यों, इतिहास को क्यों छोड़ दिया जाए, क्यों छोड़ दिया जाए? क्योंकि कुछ लोगों को सूट नहीं करता तो इतिहास को छोड़ दें? कैसे छोड़ दें? क्यों नहीं चर्चा होगा, क्यों नहीं चर्चा होगा? ठीक है, इतिहास के बुनियाद पे आप कब तक इतिहास को, इतिहास को कैसे भुला दिया जाए? अगर कोई बुरा अनुभव है तो उसको कैसे छोड़ दिया जाए, कैसे उसे बिल्कुल मिटा दिया जाए? उद्देश्य ये है कि ताकि आगे चल करके ऐसा ना हो। राधिका जी, राधिका जी, जिस व्यक्ति ने देश उसने देश से माफी मांग चुकी है, उस सरकार ने माफी मांगा, उस पार्टी ने माफी मांगा। एक काम करते हैं, फिर संविधान लेके नहीं घूमना चाहिए ना? जो लोग संविधान लेके हर जगह घूमते रहते हैं उसकी क्या, उसकी क्या जरूरत है? आज देश में लोकतंत्र है, संविधान सुरक्षित है, उसकी क्या जरूरत है? राधिका जी, राधिका जी आप बोलिए, राधिका जी आप बोलिए, राधिका जी। देखिए जिस तरीके से यहाँ पे दलीलें दी जा रही है कि माफी मांगी, ठीक है आज के बाद जो भी क्राइम किए जाएंगे माफी मांग लेते हैं और उनको छोड़ दिया जाएगा, कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है, क्यों जरूरत है न्यायालय की, माफी मांगिए बात खत्म हो गई। लेकिन एक और बात है, देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मेरे पे व्यक्तिगत टिप्पणियां करी गई, जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता ना, नहीं मैंने काउंटर कर दिया उसका, मैंने काउंटर कर दिया, तो व्यक्तिगत जाते हैं गांधी वाड्रा परिवार के जो चमचे हैं, और इसकी मुझे आदत हो चुकी है, और इसीलिए एक एक करके पूरा कांग्रेस पार्टी खाली हो चुकी है। मैंने बोल दिया था अभी वो बीजेपी की प्रवक्ता, तो व्यक्तिगत टिप्पणी करी जाती है, मैं किसी के बीच में नहीं बोले थे, टिप्पणी भी करी गई थी। मैं उम्मीद रखती हूँ इमरजेंसी लगा रहे लोग की विचारधारा आपातकाल नहीं है, अभी लोकतंत्र है, अभी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी अपनी बातों को बिल्कुल रखिए एक एक करके। ठीक है ठीक है ठीक है, राधिका जी की बात आ जाने दीजिए, राधिका जी नहीं बोल पाई है, राधिका जी जल्दी से बताइए, राधिका जी नहीं बोली थी। देखिए ये संविधान मुझे हक देता है, जिस संविधान की धज्जियां कांग्रेस पार्टी लगातार उड़ाती है, ठीक ठीक, और वही। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी है लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है हर साल मनाने को लेकर के, ये खास तौर पर युवाओं को उन चीजों के बारे में बताएगा जो चीजें कहीं ना कहीं हमारी स्मृति से धीरे धीरे निकल जाती हैं या युवाओं को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, फिलहाल इस चर्चा में, इस खास प्रोग्राम में इतना ही, नमस्कार।